तो गाइस इधर यहाँ पर खड़ी रहती है बाइक और यहाँ पर खड़ी रहती हैं बाकी बाइक। अभी चलते हैं रूम में। ओहो, तो इधर अभी चल रही है पूजा और इधर मम्मी बना रही हैं। तुम क्या बना चाय रही बन है? गई। चाय? चाय जिसको पीनी हो आ जाओ। ओहो, तो गाइस जिसे चाय पीनी है वो आ जाओ। और तुम क्या कर रहे हो? वही पूजा? पूजा का टाइम बोलते हैं। ओहो भाई, ये पूजा का टाइम बोलती नहीं है गाइस। तो इन्हें मिलते हैं पूजा के बाद इनसे। तो फाइनली गाइस चाय बन चुकी है, तो जिस किसी को चाय पीनी है आ जाओ, पीते हैं चाय। देखो फ्रेंड्स, इधर चल रही है पैकिंग। तो कहाँ जाने की तैयारी है भाई? घर जाने की तैयारी है। किस लिए? कि शादी है। शादी 28 नवंबर की किसकी? हमारी अच्छा, हमारी शादी है हमारी। तो तुम्हें दुख नहीं हो रहा इस रूम को छोड़ते हो, मतलब नोएडा को छोड़ते हो नहीं, बिल्कुल बहुत भी? दुख हो रहा है वैसे तो। हमारी कबर्ड बिल्कुल खाली, मेरा सामान भी निकल गया सारा। अब तेजू अपनी पैकिंग कर रहे हैं, सिस्टम भी हट जाएगा। अभी बस किचन का सामान बचा हुआ है, वो भी मम्मी लगा लेंगी। और अभी लेकर आए ये साड़ियाँ। मम्मी दिखा रहा, साड़ी मतलब डेली वेयर के लिए लिए हैं ये। वैसे तो ले ली, हैवी तो हो गई थी यार, अब ये डेली वेयर के लिए लिए हैं। कमेंट में बताना कैसी लग रही हैं दोनों साड़ी। और ये बैठी मम्मी हमारी। मम्मी कैसा लग रहा है? तुम्हें भी दुख हो रहा होगा वैसे ना, बहुत दुख हो रहा है इस रूम को छोड़ने के लिए। 2 साल हो गए बहुत मेरे जी को, लगता था इस रूम में। 2 साल हो गए मेरे को यहाँ पे ना, 2 साल हो जाते हैं ना। हमारा मंदिर, पूजा घर हमारा। मैं तो बहुत मिस करूँगी नोएडा को, बहुत। मैं शूटिंग पे भी चली जाती थी तब भी खाली नहीं करती थी रूम। चाहे अपना कितने दिन बाद वापस आऊँ, आती अपने रूम पर ही थी। तीन तीन चार चार महीने बाहर रही, तब भी मैंने अपना रूम ही खाली नहीं किया। कुछ बोलना चाहोगे इस बारे में? फिलहाल हम इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि फिलहाल हम घर जाने की तैयारी में लगे पड़े ये तो हैं। खुश हैं। खैर, ये तो स्टार्टिंग से कहते थे, अरे जब तुम यहाँ रहती हो तो खाली कर दो ना नोएडा वाला रूम। अरे भाई, खामा का पैसे रेंट भेजती रहती हूँ यहाँ से बैठे बैठे। अब खुश हो? बोलो बोलो, अब खुश हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, खुश तो हो, क्योंकि तुम्हारी बहुत प्लानिंग रहती थी नोएडा नहीं वाला भाई, रूम खाली करवाने की। खुश नहीं है भाई। ये मई से आए थे, मई से यही कहते थे। पहले इनका मन नहीं लगता था, पर अब लगने लगा था, है ना? 2 महीने से तो तेजू को बहुत मन लगने लगा था नोएडा कपड़े में। मेरे काफी सारे, मेरे से भर के बैग तो कपड़ों से है। ये देखो, टूरिस्टर बैग में भर रहे हैं अपना कपड़ा, कहीं जा रहे हैं ये। खुशी दिख रही है चेहरे पे अलग। लोग बताओ कमेंट में बता देंगे ये बात तो। तो गाइस, अभी हम सुबह से लेके पैकिंग कर रहे हैं, लेकिन पैकिंग होने में नहीं आ रही है। और ये देखो अभी सामान कैसा बिखरा पड़ा है। मम्मी उधर लगी पड़ी हैं, और अभी रीत लेने गई है अपना ब्लाउज, यानी 2 ब्लाउज हैं उनके, तो पता नहीं कितने टाइम में आएंगे अभी वो। तो अभी हमारा सामान पैकिंग नहीं हुआ है। तो गाइस देखिए कितना सारा सामान हो चुका है, और हम कह रहे थे कि थोड़ा सा ही सामान है इसमें, है बताओ। ये क्या है? अरे ये तो गाड़ी की रसीद। कुछ मत धरो, कह तो रहो, कुछ भी मत लो धरो भाई, छोड़ दो जो भी सामान तो है। भाई गाड़ी की रसीद वगैरह यहीं पे रह जाती है अभी। ना नहीं, तो कुछ चिंता मत करो, चिंता तो ये तो मैं सोच रहा घर पे रह गई थी। ये देखो, तो फाइनली गाइस पैकिंग हो चुकी है। ये देखो सारा सामान पैक हो चुका है, अब है निकलने की तैयारी। क्यों मम्मी? दुख हो रहा है छोड़ने का। अच्छा, रूम छोड़ने का दुख हो रहा है भाई? दुख तो होता ही है वैसे। हाँ, जब यहाँ रहते तो फैमिली सी हो जाती है, घर जैसा लगता है। और चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस ये भी आ चुकी हैं। हाँ तो बताइए भाई, क्या लेने गई थी तुम? मैं अपने ब्लाउज उठाने गई थी। तो मैं कैसा साड़ी था? तैयार कर रहा हूँ। दुख हो रहा होगा तुम बहुत ज़्यादा, है कितना दुख हो रहा बताओ। दुख तो हो गया, दुख मुझसे मत पूछो तो ही सही है। देखो मेरा पर्स। ओह गॉड, तो भाई इसने बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। सामान ऐसे फैला पड़ा है, अभी देखो सामान ऐसे फैला पड़ा है भाई, अभी कुछ भी नहीं सेट हुआ है। मम्मी देखो थोड़ा सा भी दुख नहीं हो रहा तुम्हें? मतलब तुम्हें बिल्कुल भी लगाव नहीं हुआ इस रूम से? अरे लगाव यार, क्या बताएं अपने दिल की। तो भाई मम्मी भी जाने के लिए तैयार हैं, और सामान एक बोरी तो तेजू ले गए, और ये रहा
ये सब कैसे कैसे पेपर होटरी तक बांधनी पड़ गई है, बैग इतने हो नहीं पा रहे थे, और आज हमारी कबर्ड हो गई खाली, सारा सामान निकाल दिया है। बहुत याद आएगी इस रूम की, कैसे मेरा सारा सामान लगा हुआ था, सब खाली हो गया। बहुत टाइम बिताया मैंने, बस मुझे ही पता है, मैं बस खुशी में मान लो, दुख में मान लो छोड़ रही हूँ, मंदिर यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि वो पेच कसे हुए हैं, तो एक आंटी आती है यहाँ पे, वो बोल रही थी मेरे को दे देना, तो उन वो ले जाएंगी ये। और देखो मम्मी कितनी खुश हैं घर जाने के लिए, मम्मी कितनी खुशी हो रही है तुम्हें, तो देखो चिमटी की पूछ रही है, मैं पूछ रही हूँ कितनी खुशी हो रही है, खुशी हो रही है तुम्हें, किस बात की खुशी, मुझे पता, और खुशी किस बात की है, खुशी नहीं है तू से जाने, मुझे तो बहुत ही हो रहा है, मुझसे पूछो मेरे को कितना दुख है। यहाँ पे हमारे महादेव रखे रहते थे, अब महादेव रख लिए हैं हमने, ये खड़ी है बाइक, और हमारी बिल्डिंग अभी तो सुनसान है, सब गए हुए होंगे अपने अपने काम पर, देखते हैं इधर तेजू आए हैं कि नहीं, वो खड़े हैं ऑटो वाले भैया, आपको दिख रहे होंगे तेजू वहाँ सामान रखवा रहे हैं। बहुत मिस करूँगी मैं इस बिल्डिंग को, बहुत टाइम बिताया है। ये आते हुए तेजू, देखो हाथ दे वहाँ से, कितने स्टाइल में आ रहे हैं, जैसे इनको तो ज़्यादा ही खुशी हो रही है, तो वैसे भी कह रहे थे चलो चलो चलो। नहीं गाइस ये गलत कह रही हैं, तुम्हें तो खुशी हो रही थी, तुम्हारे मुँह पे धूप आ रही थी बिल्कुल। ये था मेरा रूम नंबर 18, ये स्वास्थ्य का रूम मैंने ही बनाए थे। ये जाते हुए मेहनती इंसान, ये जा रहे हैं। मम्मी तुम भी सामान रखवाओ, बैठी हो आराम से, हैं छोटा मोटा सामान तो ले जाओ, छोटा मोटा सामान ले चलो, जय है जाओ ले जाओ, जल्दी जल्दी धरो चल के। चप्पल पहन लो मेरी, हाँ भाई चप्पल दो, लो भैया अपनी चप्पल अपनी पहन लो। आज ये बिल्डिंग मुझे छोड़नी पड़ रही है भाई, बताओ से बताओ नीचे रख दिए जमीन पे। ये मम्मी जाती हुई मेहनती, सामान ले जाती, वाह। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं मुझे यहाँ से जाने का कितना दुख हो रहा है, पर मैं मम्मी को ज़्यादा दिखा नहीं सकती, क्योंकि मम्मी मुझसे ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगी, इस बात से नहीं कि ये रूम खाली हो रहा है मेरी शादी की वजह से, पर देखो यार दौड़ते हुए। तो ये तेजू जा रहे हैं बाइक से, तो गाइस हम बाइक से निकल रहा हूँ और ये निकल रहे हैं अपने ऑटो से, हम ऑटो से जा रहे हैं, चलो फिर चले जाओ आराम से, हैं सर।